You want? अब ओपन करके पियो। तुम्हारा हाल भी इस कोला टिन जैसा ही हो रहा है क्यों? लकी टिन, वो तो रोना नहीं चाहती इसलिए हंस रही हूँ, लेकिन एक लड़की को अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, लेकिन एक अनजान इंसान के साथ फंसकर परेशान हो रही हूँ, तो कैसा लगता है तुम नहीं समझ पाओगे। If you don't mind, मेरे पास एक आइडिया है। I don't mind, please बोलो तुम। अब जो मेरा हाल है, चाहे दो दिन ही क्यों ना हो जाए, मैं पैंट में भी कर लूंगी, जैसा तुम बोलोगे वो भी चलेगा। I'm sorry, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। That's okay, मैं तुम्हारी हालत समझ चुका हूँ। Adult diapers, ये दादाजी के लिए लिए थे। अगर तुम्हें चलेगा तो इसे पहनकर तुम क्या यहाँ? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? सो मच। भगवान जब प्रॉब्लम्स देते हैं तो उसके सोल्यूशन भी उसी के आसपास देते हैं। सो हमारे बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या यहीं कहीं होगा? क्या पता। हे, तुम्हारी दादाजी डायपर्स, वो उन्हें डीपीएच प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी पूरी दुनिया दादाजी है। मेरी समझ में आ गया है। कल उनका बर्थडे है, इसीलिए ये सारी शॉपिंग की है। है, कल मेरा बर्थडे भी है। हाँ। What a coincidence। तो क्या उनके लिए लिया हुआ गिफ्ट मुझे देना पड़ा? Hey, come on, ये कोई गिफ्ट में देता है क्या? I'm sorry, just kidding। ये है उनका रियल गिफ्ट। इंटर में मुझे डिस्टिंक्शन मिलने पर उन्होंने मुझे वॉच खरीद कर दी। वो वॉच बेचकर उनके बर्थडे के लिए ये गिटार खरीद लिया। चाकू से मेरा हाथ कट जाए तो चलेगा, लेकिन इसे खरोंच भी आई तो मुझे बहुत हर्ट होगा। लवली, क्या वो गिटार प्लेयर है क्या? मास्टर इलिया राजा जी। व्हाट? इलिया राजा जी तुम्हारे दादाजी है? तुम एक्चुअली कुछ नहीं रोक पाती हो ना? सॉरी। इलिया राजा जी और मेरे दादाजी के गुरु एक ही हैं। दादाजी को उनके पिता का सपोर्ट ना मिलने की वजह से म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया उन्होंने। जीन्स तो एक ही है ना, मुझे भी वही पागलपन है, लेकिन मुझे दादाजी का फुल सपोर्ट है। लकी यू। हाउ अबाउट यू, तुम मिस वर्ल्ड ट्रायल्स वगैरह दे रही हो क्या? बाप रे, कम ऑन, इनफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। नाइस। सिंगर बनने के मेरे ड्रीम को पीछे खींचने वाला दुश्मन मेरे साथ ही रहता है। समझ में नहीं आया। मुझे अस्थमा है। बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाकर ऑडिशन देने का जब भी सोचा, तब अटैक्स आ जाते थे। बिल्कुल भी नहीं गा पाती थी। इसकी वजह से मेरा ड्रीम आइसक्रीम की तरह पिघल चुका है, पता नहीं क्यों।
कम से कम एक गाना तो रिकॉर्ड करके म्यूजिक कंपनीज में भेजना चाहती हूँ मैं, पर वो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। ओहो, ऐसा क्या? इसलिए फिश लेकर जा रही हो? इसके लिए मतलब? अरे अस्थमा का मतलब मछली के मुंह में दवा डालकर उस मछली को उनके मुंह में ठूसते हैं ना। अबे ये क्या बेकार की बातें कर रहा है भाई, चुप कर जा। नहीं नहीं नहीं, पालने के लिए। ओ। घर पे हीरोइन अकेली है तो उसके साथ के लिए हीरो को खरीदा। क्या बात है, वो तमन्ना जैसी हो गया तापसी जैसी। ओ शिट, आई फॉरगॉट, शॉप वाले ने हीरो को 4 घंटे बाद एक्वेरियम में डालने को कहा था। 4 घंटे बाद इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा बोला था, अब क्या करे? बाप रे, हे भगवान, आधे घंटे के अंदर मेरी जान जा सकती है। अरे कुछ तो करो पागल लोगो, मुझे बचा लो, बचा लो। इसके बारे में तो भूल ही गई मैं। तुम बहुत खूबसूरत हो यार। अरे मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे घबराओगी तो कैसे चलेगा? तुम ही ने तो कहा था प्रॉब्लम होगी तो वही सोल्यूशन भी होगा। वेट, एस्ट्रिन, अरे वाह, ऐश्वर्या राय ने तो सुंदर एस्ट्रिन का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा किया। अरे रे बाप रे, इस एस्ट्रिन की तारीफ सुनकर कहीं ऐश्वर्या राय बुरा ना मान जाए। हां छोड़ो, अपन को क्या। थैंक यू। थैंक्स तो ठीक है, लेकिन अब तो अपना नाम बता दो। आई एम सॉरी, मेरा नाम समीराना है। समीराना, दैट्स अ लवली नेम। थैंक यू। आई एम पवन बाय द वे। तो मेरा नाम गब्बर सिंह। समीरना यानी श्वास, पवन यानी वायु, मतलब तुम्हारी सांसें चलने के लिए मेरी जरूरत होगी। हाँ, और मेरी डिक्शनरी में तो पवन का मतलब पावर ही है। 8 बज चुके होंगे, यहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। बेसमेंट में रहने की वजह से इस फोन का सिग्नल भी कम्प्लीटली डेड हो चुका है। बेचारी मेरी माँ परेशान हो रही होंगी। रिलैक्स एंड लेट्स होप कल सुबह तक कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आ चुका हो, शायद हम बाहर निकल जाएं। सो जस्ट चिल। चिल? फुल मूनलाइट में बीच पे चिल्ड बियर पीते हुए चिल हो सकता है, लेकिन खड़ी दोपहर में मिर्ची की भाजी खाते हुए कोई चिल नहीं हो सकता है बेटा पवन। बाप रे, लगता तुम्हारी फैंटेसी कुछ ज्यादा ही दूर की है। क्यों ना तुम अपनी फैंटेसीज मुझसे शेयर करो। अरे ऐसे घड़ी में जब तक कांटे थकते नहीं उसकी बैटरी खत्म होने तक का टाइम है हमारे पास, इसीलिए। असल में खूबसूरत लड़कियों की फैंटेसीज जानने का थ्रिल ही अलग है। आखिर मनवाने तक माने की नहीं लगता। सॉरी Nothing, कुछ थ्रिल की बात कर रही थी तुम। So, roll, camera, action. Okay, you know, काफी दिनों से मेरी एक फैंटेसी है। एक स्टाइलिश बाइक पर बैठकर एक ऐसे प्लेजेंट वाले सड़क पर जाते हुए उस सड़क के साइड के चाय की टपरी के पास बाइक रोककर इतने में उस चाय की टपरी में एक लड़का आकर, क्या चाहिए दीदी? छोटे एक कटिंग चाय। ओए, तुम मेरी फैंटेसी में क्यों आ गए? हाँ मैं कब आया लेकिन? तो फिर उन साउंड इफेक्ट्स में गिटार का साउंड क्यों सुनाई दे रहा था? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी फैंटेसी से बाहर जाता हूँ। रुक जा, फील बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करती हूँ। वो लड़का चाय के लिए अंदर जाता है, मैं अपने टिनिंग पॉकेट से मस्त एक सिगरेट निकाल कर माचिस जलाकर, नहीं नहीं लाइटर से जलाकर एक पफ खींचती हूँ। वहां वो इलायची डालकर उबली हुई कड़क कटिंग चाय डालकर मुझे देता है। एक और चाय पीते हुए, दूसरी ओर सिगरेट पीते हुए, तीसरी ओर नेचर को एंजॉय करते हुए, लास्ट पफ होने के बाद बचे हुए सिगरेट को ऐसे जमीन पर डालकर, ऐसे पैरों से कुचलकर, फुल रिलैक्स होकर बाइक पर बैठकर ऐसे चलाते हुए Ba-da-b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 a-
What a fantasy. एक नंबर की ब्लॉकबस्टर। क्या बात है बाइक सिगरेट क्या फायदा फैंटेसी हमेशा हम जो करना चाहते हैं वो होता है या फिर करना चाहकर भी ना कर पाए वो हो सकता है तुम्हारा कौन सा टाइप है करना चाहकर भी ना करने वाला ऐसा क्यों भला बस मुझे बिल्कुल भी नहीं जमता ठीक है पर तुम्हारी फैंटेसी क्या है मेरी फैंटेसी से अब क्या करना जाने दो क्या हो गया नथिंग वो पागल पबजी वाले एक्शंस कम करो